फ्रेंड डालचन टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं डालचन सैनी आज आपको वीडियो में बताएंगे घरों पे झंडा लाइट कैसे लगाते हैं, कैसे उसकी कनेक्शन करते हैं, जो कि सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको बताते थे, ये कनेक्टर है हमारा जिसमें पुपिन सॉकेट का होल बने हुए हैं, इसके पॉइंट है। इसमें हम झल्ला लाइट लगाएंगे जो कि आपको बता देते हैं। और ये जो हमारे वायर है जो कि हमारे कनेक्शन मेन कनेक्शन के लिए काम में लेंगे। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, ये हमारी जो कि पाइप लाइट है जो कि इसको भी हम लगाएंगे। किस प्रकार लगाते हैं जो कि हम आपको वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर ही एक स्ट्रिप चिप होती है जो कि आपको दिखा रहे हैं। पहले हम इसको पूरी को खोल लेंगे, खोलने के बाद जो इसमें बल्ब पड़ जाता है उसको निकालेंगे। इस प्रकार से सारे आप बिल्डिंग पे फैला लीजिए। फैलाने के बाद जो इसका बल्ब होता है वो निकाल देंगे ताकि फोल्ड करने में हमको कोई परेशानी ना हो। जो इसका जॉइंट होता है, अगला जो कनेक्टर लगाया जाता है, उसको अपने लोहे के वायर से इस प्रकार बांध के इसको यूकार आकार दे के इस तरह से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद इसी प्रकार सारी जो हमारी स्ट्रिप लाइट है इसको पूरी को लगा लेंगे, जो पाइप लाइट है हमारी। लगाने के बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से, देख सकते हो इस प्रकार से सारी लाइट को हम लटका देंगे जो कि आपको दिखा रहे हैं। जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, एक बिल्डिंग की तरफ हमने ये लटका दी है। उसके बाद जो नीचे वाला सेकेंड फ्लोर होता है हमारा, उसकी छत में भी इसी प्रकार से लगा लेंगे जो कि आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से लटका देंगे सारी लाइटों को। जो हमारी पाइप लाइट है, इस प्रकार से लटकाने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे जो कि आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमने जो हमारी झल्लर होती है उसको सीधी सीधी लटका दी है। लटकाने के बाद इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया है जो कि आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो हमारी झल्लर होती है उसको टेस्टिंग करेंगे, जो कि इस जो कनेक्टर है हमारे इनमें लगा करने के बाद इस प्रकार से आप देख सकते हो। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो फ्रेंड्स आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। ये सारे कनेक्टरों में हमने लगा लिए। इस प्रकार से जो टू पिन हमारी टू पिन लगी होती है उनको, इस जो हमारी सॉकेट होती है, ये टू पिन सॉकेट बनी हुई है वायर में, इनमें लगाएंगे। लगाने के बाद इसके आप देख सकते हो इस प्रकार से इनके सारे कनेक्शन किए, जो कि ये टू पिन इस प्रकार से लगाई जाती है जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये जो टू पिन सॉकेट होती है हमारी, इसमें इस प्रकार से इसको लगा देंगे। लगाने के बाद अब फ्रेंड्स इसको हम ऑन करेंगे जो कि आपको बताएंगे। सारी लाइट लगाने के बाद हमारी लाइट कंप्लीट हो गई है। अब जो इसके कनेक्शन है उनको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको बताएंगे कि आगे जो लाइटें हैं जो कि इस प्रकार सीधी सीधी हमने लटकाई है जो आपको दिखा रहे हैं, जो इसके डिफरेंस दूरी है वो हमारी 12 इंची से 15 इंची के बीच में है। अब इसका स्विच ऑन करेंगे जो कि आपको बता रहे हैं। स्विच ऑन करने के बाद आप देख सकते हो इस प्रकार से ये पाइप लाइट और ये जो हमारी राइस है इस प्रकार से जलेगी जो कि आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद जो हम इसका फ्रंट देखेंगे, जो फ्रंट पे आपको कितना बढ़िया लुक आ रहा है जो आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने घरों पे लाइटें लगा सकते हो जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप दिवाली पे इस प्रकार भी आप लाइट लगा सकते हो, सीधी सीधी लाइटें लटका लो। उसके बाद एक पाइपिंग आती है उसको भी आप इस प्रकार लगा सकते हो जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।